दोस्तों स्कूल साथियों के लिए, अभिभावकों के लिए और स्टूडेंट के लिए दो तीन बड़े अपडेट है वो लेके आया हूँ। पहला अपडेट आरबीसी बोर्ड परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड को लेके है, दूसरा अपडेट है पीएसपी पोर्टल पे एक एरर को लेके है, और तीसरा बड़ा अपडेट है स्कूल री ओपन को लेके। दोस्तों आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्कूलों को री ओपन करने के लिए बैठक आयोजित की गई, उसमें क्या फैसला लिया गया, क्या निर्णय लिया गया, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, आज भी हमारे चैनल पे 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लेकिन रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं। अब उन्होंने चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रखा ये तो मैं नहीं जानता। अगर आपको लगता है कि इस राजगुरु जी के द्वारा आपको सही समय पे सही जानकारी दी जाती है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब वो कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो का है वो भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए एक एक अपडेट की बात करते हैं। सबसे पहले दो जो छोटे अपडेट हैं स्कूल साथियों के लिए उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला जो अपडेट है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से, और अपडेट है दोस्तों परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड को लेके। दोस्तों आपको पता है कि इस बार कक्षा 10वीं और 12वीं के रिपीटर जो स्टूडेंट हैं उनकी जो परीक्षा वो होने वाली है 12 अगस्त से, तो उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप अपने स्कूल की लॉगिन आईडी से स्टूडेंट के एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर लीजिएगा और स्टूडेंट को वितरित वो कर दीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, यदि आप भी रिपीटर वाली एग्जाम देने जा रहे हो तो संबंधित स्कूल से एडमिट कार्ड के लिए आप संपर्क कीजिएगा, अपना एडमिट कार्ड वहां से लीजिएगा और अपने परीक्षा सेंटर का वो पता लगा लीजिएगा। आपको पता है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 12 अगस्त से शुरू होने वाली है। अगर आपको अपने टाइम टेबल के बारे में नहीं पता तो भी आप बोर्ड की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो और अपना टाइम टेबल वो डाउनलोड है वो कर सकते हो। चलिए दूसरे अपडेट की बात करते हैं। दूसरा अपडेट भी स्कूल साथियों के लिए है और अपडेट है पीएसपी पोर्टल के एक एरर को लेके। दोस्तों आपको पता है कि इस बार सेशन 2021-22 के लिए नवीन स्कूल की मान्यता या क्रमोन्नति मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल से, लेकिन जैसे ही हमारे स्कूल साथी हैं मान्यता के लिए आवेदन करते हैं तो यह जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। इससे हमारे जो स्कूल साथी हैं वो परेशानी में आ गए, टेंशन में आ गए, पोर्टल तो चल ही नहीं रहा तो मैं आवेदन वो कैसे करूंगा। तो दोस्तों जैसे ये समस्या मेरे पास पहुंची तो संबंधित डिपार्टमेंट को ये समस्या मैंने पहुंचा दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी पोर्टल में है अपडेट कर दिया जाएगा, आगे ये एरर नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अगर बार बार जो पोर्टल है वो लॉग आउट हो रहा है तो जैसे एरर का समाधान हो जाएगा तो आप आवेदन है वो कर सकते हैं। चलिए तीसरे बड़े अपडेट की बात करते हैं, और तीसरा जो अपडेट है वो स्कूल साथियों के लिए भी है, अभिभावकों के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी है, और अपडेट है स्कूल री ओपन करने को लेकर। दोस्तों आज यानी 7 अगस्त 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में और गृह मंत्रालय के विशेष अधिकारियों व डॉक्टरों की टीम के बीच में एक बैठक वो आयोजित की गई थी, और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि राजस्थान में स्कूलों को री ओपन करने पर विचार विमर्श करना और साथ ही राजस्थान में कोरोना रिपोर्ट पे विचार विमर्श करना। अब जैसे ही ये बैठक आयोजित हुई तो भैया इस बैठक को लेकर सोशल मीडिया पे एक मैसेज है वो वायरल होने लग गया, और उस मैसेज में ये कहा जाने लगा कि अब राजस्थान में 50% के हिसाब से स्कूल है वो खुलेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो मैसेज है बिल्कुल फेक है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज की बैठक में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है कि जिसमें ये कहा गया हो कि राजस्थान में 50% के हिसाब से स्कूल है वो खुलेंगे। यहाँ पर देखिए आज जो बैठक आयोजित की गई उसमें केवल स्कूलों को दोबारा खोलने पर विचार विमर्श है वो किया गया था। जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने विशेषाधिकारियों से ये विचार रखा कि भाई राजस्थान में स्कूलें खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए, इस पे आप अपना विचार दीजिएगा और दूसरे स्टेट की क्या रिपोर्ट है, तो देखिए जो विशेषाधिकारी उन्होंने दूसरे स्टेट की रिपोर्ट दी कि अपने राजस्थान के जो आसपास पड़ोस के 8-10 जो राज्य है उनमें स्कूलें हैं वो रीओपन हो चुकी हैं, जैसे हरियाणा है। अब हरियाणा में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक है 50% के हिसाब से स्कूल है वो खुल रहे हैं और बच्चे भी स्कूल में आ रहे हैं, यानी एक सप्ताह बच्चे आ रहे हैं और दूसरे सप्ताह बच्चों की छुट्टी हो रही है, ऐसा विचार है उनके सामने रखा गया था। अब यार सोशल मीडिया पे इसका रूप ही बदल दिया कि यार जो स्कूलें राजस्थान में 50% के हिसाब से है वो खुल रही है, लेकिन फिलहाल इस बैठक में ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया दोस्तों, फिलहाल केवल विचार विमर्श ही किया गया है। देखिए जो अपने मुख्यमंत्री महोदय साहब है उन्होंने ये कहा कि 1-2 दिन बाद में है, फिर से आप बैठक कर लीजिएगा, मीटिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई फैसला वो ले लीजिएगा। दूसरी तरफ
जब डॉक्टर टीम से ये पूछा गया था कि भी हमें क्या करना चाहिए और कैसे हालात हैं, तो वो आप अपनी रिपोर्ट है वो दीजिएगा। तो देखिए जो एसएमएस के जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टाफ हैं, जो बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने भी ये फैसला दिया है और उन्होंने ये कहा है कि देखिए जिन राज्यों में स्कूलें ओपन हो गई हैं उनमें कोरोना के जो केसेस हैं बच्चों में ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगस्त माह में हमें पूरी तरह से इस पर रोक लगानी चाहिए और अगस्त माह के बाद में इस पर हमें कोई विचार विमर्श करना चाहिए कि राजस्थान में स्कूलें हैं वो खुलने चाहिए नहीं खोलने चाहिए। तो कहने का मतलब है इस बैठक में हालांकि कोई फैसला नहीं लिया गया, केवल विचार लिया गया है। अब ये जो स्कूलें हैं शायद अगस्त के बाद में वो खुलने वाले, फिलहाल स्कूलों को ओपन करने की कोई भी गाइडलाइन है वो जारी नहीं हुई है। दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आए तो इसको आप बिल्कुल फेक है वो समझ लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसी बैठक का लाइव जो लिंक है वो मैं आपको दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा कि उस बैठक में क्या क्या बातें हुई है, तो आप खुद भी खुद है वो समझ जाओगे। और वैसे अपन बात करें अपने राजस्थान में अपने प्राइवेट स्कूल साथियों की, तो यार हर जगह है, शायद मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता लगा है हर एक जिले के अंदर है प्राइवेट स्कूल है या वो ओपन हो रहे हैं बड़े वाले बच्चों की, और कहीं कहीं जो सरकारी स्कूल है भैया वहां पर भी बच्चे वो बुलाए जा रहे हैं। वो तो देखिए उनका एक निजी मामला है, उनका निजी फैसला है, लेकिन सरकार की तरफ से स्कूलों को रीओपन करने का अब तक कोई भी फैसला वो नहीं लिया गया। जैसे कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। लेकिन दोस्तों आपसे इतना पूछना चाहूंगा, क्या अगस्त माह में अपने राजस्थान में स्कूल ओपन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अभिभावकों की क्या राय है और स्टूडेंट की क्या राय है? देखिए अभिभावक और स्कूल साथी तो यही कहेंगे हाँ स्कूल है वो ओपन होने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट है वो ये जरूर कहेगा नहीं नहीं मैं तो घर में ठीक हूँ, घर में अच्छी पढ़ाई हो रही है, मैं तो ऑनलाइन ही क्लास है वो ले लूंगा। लेकिन हकीकत और सच्चाई आप भी जानते हैं, कमेंट में अपनी राय वो जरूर दीजिएगा। बस जानकारी तो आपको यही देनी थी, बताना आज की अपडेट आपको कैसे लगे और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में भी है वो शेयर कर देना। और चैनल पे नए मेहमान हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन है उसे भी दबा डालो, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लो ताकि नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।